हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी का समुद्र उल्लंघन और लंका प्रवेश। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, आनंद घन श्री हनुमान जी सो योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लागने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो। मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही रामप्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखूँगा। निश्चय ही अब मैं कृत कार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूँगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत उनके अवयव स्वरूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांग जाऊंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं यह लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कुतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग को सामने से रोककर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमान जी ने उससे कहा, हे माते, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कह हनुमान जी अपना शरीर एक योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का वह रूप देख कर सुरसा ने अपना मुख पाँच योजन का फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना कर लिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना देह योजन का कर लिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन का फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर निकल आए और तब उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ,
जाओ श्री हनुमान जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी से मिलोगे। अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणियों से युक्त मैनाप पर्वत से कहा, देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सागर पुत्रों ने बताया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम कर जाएं। तब पैनाक पर्वत बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन श्रृंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपि, मैं मैनाक हूँ। हे मारुति, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ मेरे ये अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंदपूर्वक चले जाना। मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवनसुत हनुमान जी बोले, राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम का समय भी कहाँ है। ऐसा कह कपि श्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह सिंगी का नाम की एक घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उसे पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमान जी सोचने लगे, यह ऐसा कौन सा विघ्नकारक है जिसने मेरा वेग रोक कर लिया। दिखाई तो यहाँ कुछ नहीं देता, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें वहाँ बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंगी का राक्षसी दिखाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर लंका की ओर चल पड़े। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहां साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी। उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा, तू कौन है, तो इस रात्रि के समय मुझ लंकनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है। ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल कर उनके लात मारी। तब हनुमान जी ने उसकी अविज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद लंकनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हे अनग, तुम लंकापुरी जीत चुके। पूर्व काल में मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया
जनक के घर में सीता जी प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। वे श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित महावन दंडकारण्य में जाएंगे। वहाँ महामाया रूपिणी श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। उसके बाद राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेगा। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा। वह तुझसे तिरस्कृत होने पर भी तेरा मुक्का मारेगा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अति उत्तम क्रीड़ा वन है। उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है। उसके बीचों बीच एक अति विशाल शीशम का वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी के संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लागते ही पृथ्वी पुत्री सीता जी और रावण की बाएं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत रामचंद्र जी के दाएं अंग वाले बड़े जोर से फड़कने लगे। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे प्रथम सर्ग अध्यात्म रामायण सुंदरकांड द्वितीय सर्ग। हनुमान जी का वाटिका में जाना तथा रावण का सीता जी को भय दिखलाना। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जो भगवान श्री राम ने पहले ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब और घूमते रहे। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहां सब और ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुँचे। वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निर्मित महलों को अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाले शीशम का वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं आती थी और वह सुनहरी पक्षियों से आकीर्ण था। वीरभद्र हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हुई हैं। उनके बालों की जुड़कर एक वेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं तथा मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोक पूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं।
कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिप कर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आह, परमात्मा राम का कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हो गया। इसी समय अंतःपुर में से बड़े किलकिला शब्द की आवाज़ आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि यहाँ क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख 20 भुजा और कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी 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 मेरा मरण हो। ना जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता जी के लिए नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण रहने से राक्षस रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छा रूपधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित यह स्वप्न ठीक ही हो, अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपने बाघ बाणों से बेध कर अत्यंत दुखी करूँ, जिससे वह वानर यह सब देखकर राम जी को सुनावे। यह सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास गया। उसने उसके साथ स्त्रियों के नुपुर, पाजेब और किंकिडिंग करधने आदि की जानकार सुनकर सुंदर कटी वाली कल्याणी सीता जी घबरा कर अपने शरीर को सिकोड़ कर नीचे की ओर मुकर कर बैठ गई। उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में लगा लिया। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर बेकुटी वाली, तू मुझे देखकर पिता क्यों इतनी सुकुटती है? अब राम तो अपने भाई के साथ पंचरों में रहता है, वह कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी किसी को भी नहीं दिखाई देता। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब और देखने पर भी वह कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। अब राम से तुझे क्या काम है? वह तो तुझसे सदा ही उदासीन रहता है, सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे अलंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। राम को तुझसे जितने वो प्राप्त हुए, उससे जितने गुण हैं, उन सब को भोग कर भी वह कृतघ्न गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी वह अभी तक नहीं आया। जब उसे तुमसे प्रेम ही नहीं आता तो वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझसे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण की ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रख कर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डर कर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवेली जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर ले आया है, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षस अधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। जानकी जी के कठोर वचन सुनकर राक्षसराज
रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खड़ग खींच कर जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पति देव इस दीना शीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए, आपके लिए तो देवता गंधर्व और नागादिकों की ऐसी अनेकों मत मत नयना मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वरण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल वदनपाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए तुम सब लोग वही करो। यही 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी, और यदि 2 महीने तक भी यह मेरी शैया पर आना स्वीकार ना करे तो इस मानवी को मेरा प्रातःकाल का कलेबा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंत्यपुर को चला गया और राक्षसियाँ सीता के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगी। उनसे एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है, इसी प्रकार कोई खड़क निकाल कर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काट कर अभी अलग अलग कर डालो, तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़ कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार वे सब डराने लगी। उन विकृत वंदना राक्षसियों को रोक कर तिष्ठा नामक एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहने शरीर में तेल लगाए नंगा होकर अपने पुत्र पुत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है और विभीषण प्रसन्नचित से रघुनाथ जी से के साथ में बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायासी रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमेखी सीता को गोद में बिठाकर निसंदेह अपने नगर को चले जाएंगे। तिष्ठा के ये सब वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गईं, वे चुपचाप जहाँ तहाँ बैठ गई और कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गई और अपना कोई सहायक ना देखकर वे दुख से मूर्छित हो गई। फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी, ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। इति श्री मत अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे द्वितीय सर्ग। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड तृतीय सर्ग। जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं,
हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी सब कुछ इस जगत में स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगा कर ही अपना शरीर क्यों ना छोड़ दूँ। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी बिना जीने से क्या लाभ। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वीणा पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूप धारी हनुमान जी के हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पढ़ने योग्य धीमी वाणी से धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात चार पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनमें से उनके बड़े भाई राम, राता लक्ष्मण और भार्य सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहाँ गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुँचाकर वे शिष्यमुख पर्वत पर आए। वहां आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी सीता का हरण करने वाले दुष्ट वाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्री रघुनंदन जी ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथनानुसार सोयोजन रंभ लांग कर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा सीता जी को ढूंढा। धीरे धीरे अशोक वाटिका में ढूंढते हुए मैंने यह शीशम का वृक्ष देखा और यहाँ रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक ग्रस्त देखा। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया, ऐसा कहकर परम बुद्धिमान हनुमान जी मौन हो गए। तब सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे आ सकता है, और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है। अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सूत्रा, जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन पीतपर्ण और कल्पिक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर यह रावण ही आया है। यह सोचकर वे चुपचाप नीचों को मुख किए बैठी रही। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं वह मैं नहीं हूँ। हे माते, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे शुक्रदे, मैं तो होसला अधिपति परमात्मा राम का दास और वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की कैसे मित्रता हो सकती है। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर
जानकी जी से कहा, शब्द की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर गए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर से ही राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आश्रय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया तथा दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने अपनी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशा में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदरपूर्वक कहा, हे परम नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना। तब अपनी पहचान के लिए मैंने मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हैं सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उंगली से उतार कर वह अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। हे देवी, आप यह अंगूठी देखिए। ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस राम नाम अंकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद अश्रु बहाने लगी। उसके बाद वे कहने लगी, हे कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय ही उनका भी तुम्हारा उनके ऊपर भी और तुम्हारा पर भी पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा ना होता तो तुम पर पुरुष को वे मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तो तुमने देख ही ली हैं। राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण दो ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी ना आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान राम वानरराज सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथपों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन के पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, हे देवी सीता, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के पास आ जाए सुग्रीव के साथ यहाँ आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। हे देवी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अमेय आत्मा है, उनके शरीर का कोई माप नहीं है, वे सर्वव्यापक हैं, किंतु वानर यूथपों के साथ में किस प्रकार समुद्र को पार कर पाएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानरराज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो। मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। हे देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमल लोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केशपाश से स्थित चूड़ामणि को निकालकर उसे दिया और कहा, हे कपिवर, इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुव्रत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे
सो रहे थे, इसी समय इंद्र का पुत्र काकपीठ में वहाँ आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला। तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, हे प्रिय, किस दुरात्मा ने यह अप्रिय कार्य किया। वे ये ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कोए को बार बार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कोए की ओर फेंक दिया। तब वह काग भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी में भटकता फिरा। किंतु जब इंद्र, ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा ना हो सकी तो बहुत ही डरता डरता दया निधान भगवान राम के चरणों में आ गिरा। उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अमोघ अस्त्र है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाएं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल मंडिता लंका को वे एक ही क्षण में भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ोगे, और सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशाल काय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो, अतः अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुम महाबली वीर को राक्षसियाँ देख लेंगी। तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों का पारण करना है। तब जानकी जी को बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने वे फल खाए और उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उनमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाता है, वह अधम ही है, अतः मैं कुछ और भी करूँगा। और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ जाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ कर अशोक वाटिका को एक ही क्षण में वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे सीता जी बैठी थी उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, यह वानराकार विकट वीर कौन है। जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, हे देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर एक ही क्षण में सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। उस पराक्रमी के मंदिर के प्रसाद को भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा है। वन विध्वंसक का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज रावण तुरंत उठा और उसने 10,00,000 सैन्य को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीष्मकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े।
उसके बाद यूथपति गजराज जैसे मच्छरों को मसल डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुंदर से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला। अपने किंकरों का स्मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने वहां पांच बड़े बांके सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर सात मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहाँ आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक ही क्षण में लोह स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बाट देखने लगे। तब अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना सुंदर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुंदर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अक्ष के पद का वृतांत सुनकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ जाता हूँ और उसे मार कर या बांध कर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामना, शोक ना कीजिए मेरे रहते हुए, आप ऐसे दुखमय वचन क्यों बोलते हैं? मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर लाता हूँ। ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान जी के पास पहुंचा। तब वीर्यवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए करुण के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में देख इंद्रजीत ने आठ बाणों से उनके सिर को बींधा, फिर छह बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा एक से उनकी पूंछ को बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली मेघनाद इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया, जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक क्षण में ही अज्ञान कृत बंधन को काट कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मोपाश अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है? इति श्री मत अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे तृतीय सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड चतुर्थ सर्ग, हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री महादेव जी बोले पार्वती जी से, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्री हनुमान जी से जब डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोधपूर्वक घूंसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर
तुरंत चला गया। यह बात जानकर भी श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन करने के लिए तुच्छ रस्सियों से ही बंधे हुए रावण के पास चले गए। तब इंद्रजीत ने उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस वानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज, मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझें वैसा विधान करें। यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब राक्षस राज रावण के सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्णवर्ण प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य है? यह कहाँ से लाया गया है? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षस वीरों को क्यों बलात् मारा? तब प्रहस्त ने हनुमान जी से आदरपूर्वक पूछा, वानर, तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो मत, राज राजेश्वर के सामने सब बात सच सच करके बतला दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंटक रूप राक्षस राज रावण को देखकर पवन नंदन हनुमान जी ने हृदय में बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहने आरंभ की। वे कहने लगे, हे देवादि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो, कुत्ता जिस प्रकार हवि को चुरा कर ले जाता है उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हें सर्वांत अंतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। उन श्री रघुनाथ जी ने मत पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को मानरों का राजा बना दिया। हे रावण, इस समय वे महाबली वानर राज और भी करोड़ों महाशूरवीर वानर यूथों के साथ राम और लक्ष्मण जी के सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए दसों दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक वानर मैं वायु का पुत्र हूँ। मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं कमल दल लोचना जानकी जी का दर्शन कर चुका हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा तो उन्हें मार कर मेरी अपनी शरीर रक्षा की, क्योंकि हे राजन, अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्यारा होता है। फिर यह मेघनाथ नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाश में बांधकर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से वह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेकपूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो और संसार बंधन से छुटाने वाली प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी दैवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विश्व के पुत्र और कुबेर के भाई हो, अतः देखो तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से तो राक्षस हो ही नहीं, इसमें तो कहना क्या है। तुम वास्तव में कौन हो तो मैं बतलाता हूँ। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसीलिए शरीर बुद्धि इंद्रियां और दुख आदि ये ना तुम्हारे गुण हैं और ना तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते।
आत्मा देह इंद्रिय प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है और मैं चिन्ह मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीवन मुक्त हो जाता हूँ। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अविकारी तथा देहादि संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्मतत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसीलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्ता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित भगवान राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा राम का भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान राम का भजन ना करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ले ही जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना ना रहेगी। पवनसुत के इस अमृत सदृश मधुर भाषण को सुनकर राक्षस राज रावण उसे सहन ना कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला, अरे दुष्ट बुद्धे, तू वानरों में अधम है, मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है? और यह राम और वनचर सुग्रीव है क्या चीज? उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा। हे वानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी जी का वध करूंगा, उसके बाद लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा और उनसे पहले उस बड़े बलि वानर राज सुग्रीव को, उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी अपने बड़े हुए क्रोध से जलाते हुए से बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं भगवान राम का दास हूँ, मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा, अरे इस वानर के टुकड़े टुकड़े करके इसको मार डालो, जिससे सब राक्षस मित्र तथा बंधुगण इस कौतुक को देखे। तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोककर कहा, राजन, प्रतापी पुरुषों को अन्य राजा के वानर दूत को किसी प्रकार भी ना मारना चाहिए। यदि यह वानर दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं उन राम को यह समाचार कौन सुनाएगा? अतः इस वानर के लिए वध के समान ही कोई और दंड निश्चय कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर यह वानर जाए और उसे लेकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यूं बोला, वानरों को पूछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूछ को वस्त्र आदि से खूब लपेट दो और उसमें फिर आग लगाकर इसे नगर के चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त वानर योद्धपति इसकी वह दुर्दशा को देखें। तब राक्षसों ने बहुत अच्छा कहे हनुमान जी की पूछ सन के पट्टों से और तेल में भीगे हुए नाना प्रकार के चित्रणों से बड़ी
दृढ़ता से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारंबार तुरही बजाकर यह कहते कि यह चोर है नगर में सब और घुमाने लगे। हनुमान जी ने भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुँचे उस समय तुरंत ही सूक्ष्म रूप होकर उन्होंने बंधन से निकल गए और फिर पर्वताकार हो उछल कर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने एक स्तंभ उठाकर एक ही क्षण में उन समस्त राक्षसों को मार डाला और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रसाद के अग्रभाव से एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल अटारी और वंदनवार आदि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उस समय हा तात हा पुत्र हा नाथ कहकर सब और फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां देवताओं के समान मालूम होती थी। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्थचित हो गए। सीता जी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए वह अत्यंत शीतल हो गई। जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकती थी। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे चतुर्थ सर्ग। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड पंचम सर्ग हनुमान जी का सीता से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। कभी ना हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कभी ना हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की तीन परिक्रमाएं की और उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, हे देवी, मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित भगवान राम और लक्ष्मण को देखेंगी। तब दुख से दुर्बल हुई जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई, अब तुम जा रहे हो, अब श्री रामचंद्र जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूँगी। हनुमान जी तब सीता जी से बोले, हे देवी, यदि ऐसी बात है तो आप स्वीकार करें तो हे जनक नंदिनी, आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए, मैं एक ही क्षण में आपको श्री रामचंद्र जी से मिला दूंगा। सीता जी ने कहा, यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखा कर या उसे बाणों से बांध कर यहाँ वानरों के साथ आएं और रावण को युद्ध में मार कर मुझे ले जाएं तो इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी, इसीलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी। सीता जी ने इस प्रकार विदा होकर वीरवर हनुमान ने उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर महावीर हनुमान जी ने पर्वत को अपने पैरों से दबाकर
वायु वेग से चले और उनके दबाने से वह 30 योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं बड़े आनंद में भरकर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही यह मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य करके लौटे हैं। हे वानरगण, देखो ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही तो हैं। वानर वीरों के इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस गिरी शिखर पर उतर आए और उनसे यूँ कहने लगे, मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की, उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। अब हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया। किन्हीं ने उनकी पूँछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे। उसके बाद हनुमान जी के साथ वे सब प्रवर्तन पर्वत पर चले गए। जिस प्रकार जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुवन पर पड़ी। उसे देखकर वे अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, अतः ए महामते हमें आज्ञा दीजिए जिससे आज हम इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु को पिएं। उसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, अतः हे वानर श्रेष्ठ गण, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंगद जी की आज्ञा पा वानरगण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वन रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधुपान करते हुए देखकर मारा तो वे उन्हें लात और घूंसों से कुचलकर मधु पीते रहे। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अति क्रुद्ध हो वहाँ वानरराज सुग्रीव थे पे वहाँ गया। वहाँ पहुँचकर वह बोला, राजन, तुमने चिरकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी उसे आज युवराज अंगद और हनुमान ने उजाड़ डाला। दधिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं, पवन कुमार सीता जी को देखकर आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसकी सामर्थ्य थी। और उनमें भी निसंदेह यह कार्य किया हनुमान जी ने ही है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा, राजन, यह सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो? सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है भूमि सुता जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि हनुमान आदि समस्त वानरगण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षसों को मारते हैं। बिना आपका कार्य किए तो वे मेरे मधुवन की ओर देख भी नहीं सकते थे, अतः यह निश्चय होता है कि वे देवी जानकी जी से मिलकर आए हैं। रक्षसों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और उन अंगद आदि वानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और हनुमान जी आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहाँ जाइए, क्योंकि राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हे महावीरगण, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब वे वानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कह आकाश में चढ़कर कहने लगे, वे सब वानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे चलकर तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतार आए। हनुमान जी ने पहले श्री रघुनाथ जी और फिर वानर राज सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। हे राजेंद्र, शोक मग्ना जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में शिशंपा वृक्ष के तले बैठी हैं और हे प्रभु, सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम हा राम हा राम कहकर शोक करती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं और बालों की मिलकर एक वेणी हो गई है।
ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढाढ़स बंधाया। वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप से वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई, जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकारण्य में आना हुआ, आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा, तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने वाली को मारा, वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे गए बड़े बलवान पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में गए हैं, और उनमें से एक मैं सुग्रीव का मंत्री तथा रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैंने जानकी जी को देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हुआ। मेरा यह कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए और वे कहने लगी, मुझे ये कर्णामृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है? यदि यह सब सत्य है, मुझे भ्रम तो नहीं हुआ, तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आए। हे प्रभु, तब मैं सूक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर से ही प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, तथा सीता जी ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो? इस प्रकार की बातें उनने मुझसे पूछी। और हे शत्रुदमन, मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे कहने लगी, हे हनुमान, जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे अहर्निश दुख उठाते देखा है, वह सब ज्यों का त्यों रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी, रघुनाथ जी भी तुम्हारी ही चिंता से ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार मिलने से रात दिन तुम्हारी ही चिंता करते हैं। मैं अभी जाकर मैं तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा। और रघुनाथ जी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्य अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करें। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केशवाश में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया, तथा नेत्रों में जल भर कर कहा, रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करें। इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी मेरा कृपा करके उद्धार करें वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भर कर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब वृतांत सुनाकर ढाढ़स बताया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और एक ही क्षण में बहुत से राक्षस मार डाले, रावण के पुत्र को भी मारा, तथा रावण से वार्तालाप कर लंका को सब प्रकार से जलाकर फिर क्षण भर में ही मैं यहाँ चला आया। हनुमान जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे हनुमान, तुमने जो कुछ कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूँ सो नहीं जानता। लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। ऐसा कह उन्होंने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींच कर आलिंगन किया। उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उबड़ने लगा। तब भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। हे पार्वती, जिनके चरणारविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे पंचम सर्ग।